अच्छा सर आगे जाएं दीजिएगा, बिल्कुल आई एम रनिंग। अच्छा अरबाब भाई मुझे एक चीज बताइएगा, पाकिस्तान अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, आपको लगता है आज की तारीख तक अफगानिस्तान ने काफ़ी कुछ सीख लिया है इस जंग से, जो दहशतगर्दी वहाँ पर हुई है, जिस तरह की उनकी ज़िंदगी गुजर रही है उन्होंने सीख लिया और चीज़ें बेहतर होंगी? वेरी शॉर्टली बताइएगा जी, 30 सेकेंड्स। मैं बताता हूँ, एक बात तो यह है कि पीस की तरफ क्यों गए, क्यों? बिकॉज अमेरिका ने रियलाइज़ किया कि 10 साल हमने तालिबान को शिकस्त नहीं दी, तालिबान ने भी रियलाइज़ किया कि 10 साल और भी लड़े अमरीका को हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो दे हैड टू कम इन टू और दूसरी बात यह है, मसलहत यह है बिकॉज लड़ाइयां होती रही, सैकड़ों लाखों हजारों लोग हो गया उसमें जो है वो, सो अब जो है बेसिकली इट इज वी कैन प्ले फैसिलिटेशन रोल, वी कैन प्ले, बिल्कुल ठीक है अरबाब भाई, आपका पॉइंट आ गया जी। तंजीला 10 सेकेंड्स फॉर यू क्लोजिंग कॉमेंट जी प्लीज। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को रियासती और सफारती ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, बड़ा भाई और छोटा भाई बनने का मरहला जो है वो हम गुजार चुके हैं और बड़ी कामयाबी से हमने गुजारा, मुहाजरीन को संभाला, बड़ी अच्छी बात है। देखें शुक्रिया तो उन्होंने हमारा कभी भी अदा नहीं किया, हमें अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हुए अपने रीजन, ठीक हो गया तंजीला, बिल्कुल ठीक है, अपने मफादात के मुताबिक, अपने मफादात के मुताबिक करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच तंजीला, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। तंजीला मजर, शेख रोहिल असगर, शेर अली अरबाब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़िम मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।